कमला पसंद ले रहा है, ये इसने भी कमला पसंद लिए भाई अनुराग तेरी जेब में क्या है वो दिखा, जेब में दिखा भाई। भाई जेब में जो है मैं दिखा नहीं सकता। अच्छा ये कलियर शरीफ का रास्ता है और अब हम हरिद्वार के पास ही हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग और आज हम जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड, यानी आज हम जाएंगे कहाँ पर? आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड कलियर शरीफ। कलियर शरीफ जाएंगे, फिर रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश। आपको सब एक दिन में घूम के दिखाएंगे। ये टूर होगा हमारा एक दिन का और एक दिन में हम आपको चार जगह जाकर दिखाएंगे। चलिए अब ब्लॉग शुरू करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बाय गाइस। गाइज हम निकल चुके हैं दिल्ली से, अब हम जाके रुकेंगे। हमारी गाड़ी का जो फर्स्ट स्टॉप होगा वो होगा रुड़की से थोड़ा सा पहले, वहाँ पे एक दरगाह है, पहले हमें वहाँ पे मत्था टेकना है। कलियर शरीफ दरगाह है, फिरोज को हम मत्था टिकवाएंगे वहाँ पे, और इसके साथ में इसकी मन्नत थी, मेरी मन्नत थी कि इसे दरगाह पे शादी के बाद वहाँ जाना है एक बार। अच्छा, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हमें भी मत्था टेकने का मौका मिल जाएगा और फिर हम इसे लेकर चलेंगे हरिद्वार की तरफ। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे। अब मेरठ एक्सप्रेसवे सीधा यहाँ से हरिद्वार के लिए निकलता है, पहले हम रुड़की रुकेंगे, रुड़की के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश। इस टूर में जो जो होने वाला है हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। इस टूर में हम जितनी भी मस्ती करेंगे या जहाँ पे भी जाएंगे, किसी भी टेम्पल में जाएंगे, तो हम सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और कैसे कैसे आना है यहाँ पर, आप घूमने आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो टूर होने वाला है ये सिर्फ एक दिन का होगा, आपको एक दिन में कहाँ कहाँ विजिट करना है हम सारी चीजें आपको इसमें बता देंगे। ये हमारा मेरठ एक्सप्रेसवे पे पहला टोल आया है, और भाई तू गाड़ी इधर उधर मत ले क्योंकि हम जिस लाइन में जाते हैं उसी में भीड़ लग जाती है, पर इस वाले में हमारी किस्मत थोड़ी सही लग रही है। तो फास्टैग रिचार्ज है भाई तेरा? भाई फास्टैग ये लगा हुआ है। अच्छा, रिचार्ज हो सकता है इसमें क्या? और हो सकता है चल जाएगा यार। और एक और चीज, अगर आप हाईवे वगैरह पे ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं है तो ये आपसे कैश जरूर लेंगे, बट एक और कंडीशन है, जब आप यहाँ पे कैश पे करेंगे तो वो डबल रहेगा। अगर आपके पास फास्टैग होता है तो उससे हाफ चार्जेस कटेंगे। एक इन्फॉर्मेशन और, हाँ, इन केस आपके फास्टैग में अगर 10 रुपए भी है और आप किसी टोल पे हो तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो, आपके फास्टैग में माइनस में बैलेंस चला जाएगा। ओके, मतलब आप मिनिमम बैलेंस में भी क्रॉस कर सकते हो। मेट्रो गार्ड की तरह? अच्छा, मेट्रो गार्ड की तरह। बिल्कुल मेट्रो गार्ड की तरह भाई। अब ये आगे नहीं ले रहा, बताओ यार गाड़ी, गाड़ी क्या बंदा सही जगह ली है, वो उसका आगे कुछ फास्टैग या कुछ मशीन वगैरह काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग फंसे। यार ये अब लेट कर रहा है आगे वाली गाड़ी का, इसका ब्लैक लिस्ट हो रखा है कार्ड। ए भैया प्लीज हमें जाने दो यार, टोल ही टोल, टोल ही टोल। जाने दो भैया, चार राज्य में जाना है। ये सीएनजी पंप है और ये तगड़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। अब हम सीएनजी डलवा रहे हैं गाड़ी में, सीएनजी बहुत जरूरी है हमारे रूट पे क्योंकि भाई पेट्रोल से जाना तो मतलब बहुत महंगा पड़ता है। कैश डलवा लिए, अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, अपना सफर शुरू करेंगे अब आगे के लिए। हाँ भाई फिरोज, डल गई गैस? गैस फुल हो गई है, अब दिखा दो मीटर। खड़ी कागज को नवाब के इलाज चल रहे हैं, साइड नहीं हो रहे। ये नवाब है। हाँ, वैसे बेसिकली फिरोज भाई ये हमारा ढाबा है, अब हम यहाँ रुक रहे हैं, यहाँ कुछ चाय नाश्ता करेंगे किसी के इश्क में। हाँ भाई राहुल भाई, अब क्या खाना है भाई? ढाबे पे तो रुक गए हैं, अब देखते हैं क्या खाना है। सबसे बढ़िया ढाबे पे अगर रुक रहे हैं तो दाल रोटी खाओ, इससे अच्छा खाना कुछ हो नहीं सकता।
पनीर वनीर खाना पता नहीं रहता फ्रेश है कि नहीं है। वैसे मेरे से दाल और रोटी खाओ, कभी भी ढाबे पे रुको ना ऐसे हाईवे वगैरह पे। बाकी हमारा ढाबा देख लो, बहुत ही नॉर्मल ढाबा है, ये ढाबा है। क्या मंगाया भाई? दाल के अलावा क्या? दाल के अलावा क्या बजट में खाना मंगाया? दाल और रोटी। ठीक है भाई, हमने दाल और रोटी मंगाई है। दाल दिखाओ जरा कैसी लग रही है। मुझे तो लग रहा है दाल बहुत अच्छी है, गर्मा गर्म दाल है। बस अब खा के बताएंगे कैसा है खाना यहाँ का। जब खा के निकलेंगे तब हम आपको बताएंगे इस ढाबे का खाना कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। चाय भी हो गई है, कुल्हड़ वाली चाय है, बहुत ही शानदार चाय है। अगर आप ढाबे वगैरह पे चाय पियेंगे तो सच में उसमें टेस्ट आएगा। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का रूट। भाई किस रास्ते से लाए हो यार, टोल पे टोल आए जा रहे हैं यार। ये भाई साहब ऐसे रास्ते से लेकर आए हैं जिस रास्ते में टोल पे टोल पड़े जा रहे हैं, टोल पे टोल पड़े जा रहे हैं, टोल पे टोल, टोल पे टोल, टोल पे टोल। ऐसे कैसे हम सस्ते में तोड़ दो ये टोल। दोस्तों ये कलियर शरीफ का रास्ता है और अब हम हरिद्वार के पास ही हैं ये समझ लीजिए। बाकी चलिए अब हम आपको इस दिव्य स्थल का मुआयना कराएंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे साथ के साथ। और बहुत अंधेरा हो रहा है एक्चुअली, अभी टाइम हो रहा है 3:39। तो फाइनली हम दरगाह पे आ चुके हैं, अब हमारी चाय बन रही है और हम बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। और सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे 4:30 हो रहे हैं। राहुल भाई क्या कर रहे हो? अंकल जी हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना रहे हैं, अदरक इलायची डाल के एकदम बढ़िया। इलायची नहीं है कोई बात नहीं, अदरक डाल के बढ़िया सी कड़क चाय। अदरक डाल देना, पत्ती तेज कर देना, नींद खोल देना हमारी। दरगाह का गेट है वो नमाज के बाद खुलता है। हमारी चाय आ चुकी है, मेरी चाय ले लेना भाई। थैंक यू अंकल। तो अब हम दरगाह पहुंच चुके हैं, हम आपको साथ में दर्शन करा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप गुलर का पेड़ देख रहे हैं, इसकी एक मान्यता है, जब ये गुलर का पेड़, जैसे ये साबिर पाक जी हैं, इसे 12 सालों तक पकड़ के खड़े रहे थे, तब से बड़ी मान्यता है कि इस दरगाह पे लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो पूरी भी होती हैं। चलिए आगे आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों दरगाह के दर्शन हमने कर लिए हैं और अब 5:30 बज रहे हैं, हरिद्वार के लिए निकलेंगे। और अगला जो व्लॉग, ये वाला व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, अगला व्लॉग जो मिलेगा वो आपको सेकंड क्लिप में मिलेगा और वो होगा हरिद्वार का, उसके बाद आपको मिलेगा ऋषिकेश का। और यहाँ पर आकर सच में बहुत ही शांति मिलती है, आप जब भी हरिद्वार के लिए आएँ तो इस दरगाह पर ज़रूर आएँ। और कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा फिरोज भाई, हमने ज़ियारत कर ली है, सब कुछ पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बस बसों की तैयारी कर रहे हैं, ये ब्लॉग एंड करने जा रहे हैं। तो अनुराग भाई कुछ कहना चाहेंगे?
यहाँ आने का जो हमारा मकसद था ना बेसिकली वो फिरोज भाई का है, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई यहाँ के बारे में काफी कुछ इन्होंने बताया है। अब है तो बहुत लंबी स्टोरी, तो इस ब्लॉग में तो हम ऐसे क्लियर कर नहीं सकते। बाकी ये को लाइक जरूर करना, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा यहाँ के बारे में, आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। बाकी ब्लॉग में हमारे साथ बने रहे, अभी तो पूरा का पूरा टूर बचा है। जो भी चीजें यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाई जाएंगी वो सब आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हो। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। अगर हमें कभी मौका मिला दोबारा आने का तो फिर बताएंगे हमें। बिल्कुल, चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय। कमला पसंद ले रहा है ये, इसने भी कमला पसंद लिए भाई अनुराग तेरी जेब में क्या है वो दिखा, जेब में दिखा भाई। भाई जेब में जो है मैं दिखा नहीं सकता। अच्छा